पिता को मौत के घाट उतारा, फिर सौतेली माँ के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी बेटा। ओडिशा के जाजपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने कथित तौर पर अपने पिता की हत्या कर दी और फिर अपने सौतेली माँ के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि ये घटना तोमका पुलिस थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद का नतीजा होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति दूसरे गांव में रहता था, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे अपने पिता के साथ रहने की अनुमति नहीं देती थी। पुलिस ने बताया कि रविवार रात जब वो अपने पिता के घर गया तो उसने सौतेली माँ के साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया और उत्तेजना में कुछ गलत बातें भी कहीं। इसके बाद पिता ने हस्तक्षेप किया और अपनी पति के समर्थन में कुछ बात कही। इसके बाद स्थिति बहस और बढ़ गई और व्यक्ति ने अपने पिता को एक तेज धार वाले हथियार से मार डाला। पुलिस ने बताया इसके बाद उसने अपनी सौतेली माँ के साथ कथित तौर पर गलत काम किया और घर से फरार हो गया। तोमका पुलिस ने थाने के प्रभारी निरीक्षक एस के पात्रा ने बताया कि महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने सोमवार को उसे हिरासत में ले लिया है। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा हम आरोपी से गहन पूछताछ कर रहे हैं ताकि हत्या और दुष्कर्म के कारणों का पता लगाया जा सके। सौतेली माँ ने उसे अपने पिता के साथ रहने की अनुमति नहीं दी थी।